नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। मैं अनूप दास, ग्राम कृष्णनगर, जिला बलरामपुर, राज्य छत्तीसगढ़ से। दोस्तों, यदि हमारे चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से होगा कि हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँचेगा, आप तक जानकारी पहुँचेगा। दोस्तों, आप लोग देख पा रहे हैं अभी जो है ठंड का मौसम है और अगल बगल सभी जगह जो है बकरियों के खाने के लिए चारा लगभग ख़त्म हो चुका है। अब बकरी जो अब इस यानी कि कुछ दिन पहले ये सब घास को एकदम पसंद नहीं करती थी, अब मजबूरी में आप देख सकते हैं किस तरीके से बकरी जो है इस घास को खा रहे हैं। और चारों तरफ अभी धान कटाई हो चुका है, सरसों भी बुन लिए हैं लोग, गेहूँ बुन रहे हैं, मक्का बो रहे हैं, सभी चीज़ अपने अपने खेत पर सब लगा रहे हैं, तैयारी चल रहा है। और बकरियों के लिए क्या है कि अभी खाने के लिए कुछ बचा नहीं है, इसलिए बकरी जो है इतना भूख है सभी इन बकरियों में कि अभी एक एक घास को चुन चुन के खा रही हैं। और अभी कुछ दिन पहले, एक दो दिन पहले जैसे लगातार बारिश हुआ 3-4 दिन, उसमें बकरी जो है ठंड से एकदम झुलस गई, बकरी का सेहत भी काफ़ी बिगड़ा हुआ दिख रहा था। बकरियों में सर्दी आ गया, बकरी कमजोरीपन आ गया। और बकरी क्या है कि दिन भर घर के अंदर में बंद रहती थी तो बकरियों को काफ़ी दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ा। बकरियों के लिए सबसे अच्छा मौसम माना जाता है गर्मी का मौसम, ठंड और बरसात जो है बकरियों के लिए अच्छा मौसम नहीं माना जाता है। इसमें काफ़ी बकरियों को ध्यान रखना पड़ता है, रखरखाव करना पड़ता है। बकरी का जो है बच्चा कल रात को, जैसे एक दो दिन पहले से जब से पानी गिरना चालू हुआ, बकरी का एक छोटा सा बच्चा था, वो काफ़ी ऐसे पहले से ही जब पैदा हुआ उसी समय थोड़ा कमज़ोर था। एक बकरी का जैसे दो बच्चा हुआ तो एक बच्चा कमज़ोर था, वो काफ़ी दिन तक तो कमज़ोरी में भी जीते रहा, ठीक ठाक रहा, लेकिन जब से पानी गिरने लगा वो एकदम धीरे धीरे उसका शरीर डाउन होते होते आज रात को उसका डेथ हो गया, मोर्टिलिटी हो गया, उसको हम बचा नहीं पाए। शाम तक ठीक था, हम सोचे कि ये ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, जबकि उसको गर्म करने के लिए हमने कपड़ा उपड़ा से भी उसको बढ़िया व्यवस्था करके रखा हुआ था, फिर भी हम सवेरे जाके देख रहे कि वो मर चुका था। तो बकरी पालन में बच्चे को बचाना ही सबसे कठिन काम है और बच्चे का देख रेख करना ही सबसे मुश्किल काम माना जाता है। उसके समझ में नहीं आता है कि क्या इसको चाहिए क्या नहीं चाहिए। और यदि बकरी का जो दूध है, बकरी को बराबर दूध मिलते रहे, बच्चे को उसका माँ का यदि दूध अच्छा है तो बच्चा कम मोर्टिलिटी होता है और बकरी का बच्चा जो है सुरक्षित रहता है। काफ़ी ज़्यादा शिकायत इसीलिए देखा जाता है कि बकरी का जैसे दूध कम होता है तो सबसे ज़्यादा बकरी के बच्चे में दिक्कत होने लगता है। तो आप लोग हमेशा ही कोशिश करें कि बकरी का जो चयन है अच्छा से करें, जो बकरी अच्छा दूध देती हो उसी बकरी को आप लोग खरीदें। और ख़ासकर जहाँ ब्रीडर अच्छा हो, बड़े कद काठी का हो, उसी को लिया करें ताकि आपका बकरी का नस्ल सुधार हो और आपका बकरी अच्छा हो। कोई भी बिजनेस करने के लिए बकरी पालन शुरू करता है, यदि अच्छा जानकारी ना हो तो बकरी पालन में घाटा हो सकता है। हमने भी बहुत घाटा का सामना किया हुआ है, देख पा रहे ये जो अभी जितने भी बकरी हैं, कल तक हमारे पास 23 थे छोटे बड़े मिला के, आज 22 हो गया, घट गया एक। तो इसमें से हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि इसमें से कहीं ना कहीं छटाई करना पड़ेगा, मेरे को भी अच्छा अच्छा बकरी जो है उसको रखना पड़ेगा और बाकी जो बकरी है उसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि 20 बकरी रखने से अच्छा मेरे को लगता है कि 5 बकरी अच्छा कद काठी अच्छा नस्लदार होना चाहिए, तो उसमें ज़्यादा फ़ायदा है। और जो ब्रीडर है, ब्रीडर अच्छा होना चाहिए तभी आपका जो बकरी पालन है सक्सेस हो पाएगा। और ख़ासकर बकरियों का दवा वगैरह सभी चीज़ का यदि ध्यान रखा जाए, मेंटेन रखा जाए, तो बकरी पालन में फ़ायदा है। आपको यकीन नहीं होगा, ये जो बकरी अभी घास चर रही है, यहाँ कुछ दिन पहले ये बकरी सूंघती भी नहीं थे, सीधा भाग जाती थी दूसरी तरफ, लेकिन अभी लोगों के पेट में भूख भी है और कहीं दूर दूर तक कोई चारा नहीं है, हरा चारा नहीं, इसीलिए इसी में से जो है लोग चुन चुन के घास को खा रहे हैं। दोस्तों, आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ का जो है नज़ारे, जो पानी दिख रहा है इसमें एकदम बिल्कुल सूख गया था, अभी
दो तीन दिन लगातार जैसे पानी गिरा इसी में बकरी जो है बकरी भी झुलस गई और यहाँ पानी भी भर गया। पानी ज़्यादा नहीं है, लगभग एक डेढ़ फीट भरा होगा, बाकी तुरंत सूख जाएगा दो चार दिन जैसे धूप करेगा। इनको उतना अभी ज़्यादा पानी नहीं गिरा, जैसे हल्का हल्का पानी गिरा उसमें मिट्टी क्या है कि पूरी तरह से भींग चुका है लगभग एक फीट तक। इससे किसानों को फ़ायदा हुआ, उनका पानी बचा खेत में। जैसे अभी गर्मी जैसे ठंड का मौसम में जैसे खेती करते हैं सभी चीज़ों में पानी डालना पड़ता है, लगभग 15 दिन के लिए लोग फुर्सत हो गए। दोस्तों बकरी पालन में अभी जो एक लहर चल रहा है कि हमारे इधर बकरी जो है 10,000 में 5 बकरी दे रही है सरकारी कोई सब्सिडी के माध्यम से, आज हमारे गांव में शायद 2-3 लोगों को मिलने वाला है, खबर मिला है। जैसे उनके पास बकरी आ जाएगा आपको दिखाएंगे कैसा कैसा बकरी आता है। सुनने में आता है कि एक ब्रीडर मिलेगा और 4 या 5 बकरी मिलेगा 10,000 में, तो ये कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से बहुत ही अच्छा योजना है। यदि आप लोग भी ऐसे योजना का लाभ उठा सकते हैं तो ज़रूर लीजिएगा, आप लोगों को सहायता मिलेगा, फ़ायदा होगा। हमें तो नहीं मिल पाया इसका फ़ायदा। इसमें भी है जो एकदम गरीब है, छोटे किसान हैं, आदिवासी हैं, या जिसके पास खेत खलिहान नहीं है बिल्कुल, बहुत ही काफ़ी दिक्कत का सामना कर रहे हैं, उनके लिए सरकार ने योजना बनाया हुआ है। तो मेरे गांव में 2-3 जन का पास हुआ है, सुनने में आज उन लोग को मिलेगा। काफ़ी दूर में है, मेरे घर से लगभग 15 किलोमीटर दूर में सब हो रहा है जो बांटने का प्रक्रिया है। तो बकरी जैसे घर में आ जाएगा तब आप लोगों को हम दिखाएंगे कैसा कौन नस्ल का बकरी है, क्या है, आप लोगों को और अच्छा से जानकारी देंगे। बकरी पहले जैसे हम खोलते थे तो बकरी में एक हलचल सा होता था, दौड़ती थी भागती रहती थी, आज जो है बकरी दौड़ भी नहीं रहे भाग भी नहीं रहे, बकरी जो है चुन चुन के घास खा रही है। इसमें मेरे को भी थोड़ा कम परेशानी हो रहा है, आप लोग देख पा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा परेशानी जो है ठंड के मौसम में और बरसात के मौसम में, इसलिए माना गया है क्योंकि एक तो टेम्परेचर कम रहता है इस समय ठंड का मौसम है, बकरियों हो चाहे इंसान हो किसी को भी थोड़ा ठंड से दिक्कत होता है। उसके बाद फिर बरसात के मौसम में एक तो पानी गिरते रहता है, सभी चीज़ पानी से भरा हुआ रहता है, उसको खाने से बकरियों को दिक्कत है। और गर्मी का जो मौसम है, गर्मी का मौसम बकरियों के लिए एकदम अच्छा मौसम है, बकरियों को एकदम गर्मी पसंद है, उन लोग को सूखा पसंद है, उन लोग को पानी बिल्कुल पसंद नहीं है। तो दोस्तों यदि हमारे चैनल में पहली बार है, एक बार फिर से आप लोगों को बता दूं हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से होगा कि हम किसी भी प्रकार का वीडियो खेती से जुड़े हो चाहे बकरी पालन से, वीडियो जैसे ही अपलोड करेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँचेगा, आप तक जानकारी पहुँचेगा। तो आज का वीडियो यहीं तक, अगले वीडियो में फिर से हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।